नमस्कार, भारत जागरण में आपका स्वागत है। हेली मंडी नगर पालिका शुरू से ही जल निकासी की बद इंतजामी से जानी जाती है और अब यह समस्या बढ़ती ही दिखाई दे रही है। वही नगर पालिका और पब्लिक हेल्थ समस्या का एक दूसरे पर टीकरा फोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाटोली गांव में कुछ गलियां बनने के बाद कुछ मकान नीचे रह गए तथा कुछ मकानों में सीवर का पानी बैक मार के घर में जमा हो रहा है, जिससे लोगों को अच्छी खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और मकान गिरने की हालत में पहुंच गए हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार घरों में दरारें दिखाई दे रही है और जो गिरने की हालत में हैं, लोगों को बिजली के कनेक्शन काट के और अपने घर की कीमती चीज़ें बाहर रख के घर के बाहर रहना पड़ रहा है। वहीं काफ़ी घरों में इस तरह की समस्या होने पर नगर पालिका को सूचना देने पर नगर पालिका JEI और जल भराव की समस्या का कारण पब्लिक हेल्थ व STP का ठीक से काम न करना बताया। गलियों में जल भराव और उनकी जर्जर हालत भी बहुत कुछ बयां कर रही है और गलियों को मकान के लेवल से काफ़ी ऊपर उठाकर बनाना भी इस समस्या का मुख्य कारण दिखाई दे रहा है। मेरे कमलेश मेरे सारा घर में पानी भर गयो और रोड कती वो हो रही उसे बैठ गई मेरी डोली कती खिली पड़ी से मेरे तो पड़ी गो मैं समझ लियो और रोड पर पानी भर उसे धन राम है जी। क्या समस्या है? समस्या ये है जी, रोड ऊंचा उठना सुनने से मकान में पानी भर गया और ये मकान खत्म हो चुका। रोड को लेकर हरे राम, अब बताओ। हरे राम जी, नगर पालिका ने रोड बनवाया था, इसमें पानी भरा रहता है, इसकी वजह से हमारा मकान नीचा पड़ गया। नीचा पड़ना पानी अंदर भर गया सीवर का पानी का और इस वजह मकान हमारा पार्ट खत्म हो गया। क्या लग रहा है आपको? ज्यादा बारिश और सीवर के ना चलने से, सीवर ना चलने की वजह से, सीवर किस वजह से नहीं चल रहे हैं? ये तो STP को प्रमोटर वोटर टाइम पे नहीं चलाते होंगे वो।